नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्मलोक की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साउथ की 7 बेहतरीन एक्शन क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर पर बनी ये फिल्में। दोस्तों, आज की सभी फिल्में एक से बढ़कर एक हैं और दोस्तों आज की सभी फिल्में हिंदी में YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी। मगर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, इनमें से कुछ फिल्में अनऑफिशियल अवेलेबल है जो कॉपीराइट की वजह से कभी भी रिमूव हो सकती हैं, तो आप इन्हें जल्द से जल्द देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 7 पर आती है 2017 में रिलीज हुई कन्नड़ लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म कोलारा, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में योगेश, नैना सरवर, आदित्य मेनन, राजेंद्रन और संगीता बालन के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो कोलारा वास्तविक जीवन पर आधारित एक बायोपिक है। गैंगस्टर जो KGF, TN और AP में और उसके आसपास हत्या, डकैती और डकैती के लिए कुख्यात था और उसके बाद पुलिस द्वारा उसके और उसके भाइयों की मुठभेड़ हुई थी। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 7 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.5 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 74% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 6 पर आती है 2016 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म अचमिंद्री, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में विजय वसंत, राधा रवि, समुगिर कानी और सरन्या पोनवन्नन के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो फिल्म की शुरुआत एक ईमानदार शिक्षा विभाग के अधिकारी की बम विस्फोट में मौत से होती है। फिर हमें एक जेब कतरे शक्ति से मिलवाया जाता है जो एक मध्यम वर्गीय लड़की मालारवेसी की ओर आकर्षित होता है। इसमें एक सीधा सादा पुलिसकर्मी सत्या भी है जो अपनी बचपन की प्रेमिका श्रुति से शादी करने वाला है। उनका जीवन उसी दिन उलट पुलट हो जाता है। एक गैंगस्टर की जेब काटने के लिए गुंडों द्वारा शक्ति का पीछा किया जाता है। मलार को उसकी नौकरानी की बेटी की ओर से पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के लिए शिक्षा मंत्री के PA द्वारा धमकी दी जाती है, और सत्या पर उसके ही दोस्त और पुलिसकर्मी सर्वनंद द्वारा हमला किया जाता है क्योंकि वह श्रुति की मौत की जांच करना शुरू कर देता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 6 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.3 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 73% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 5 पर आती है 2023 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म रुद्रन, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राघव लॉरेंस, प्रिया भवानी शंकर, आर सिद्धार्थ कुमार, काली वेंकट और नासिर के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो रुद्र अपने माता पिता देवराजो और इंद्राणी के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। उसे अनन्या से प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। हालांकि रुद्र के परिवार को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वह मुद्दों को सुलझाने के लिए लंदन चला जाता है। उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसकी मां का निधन हो जाता है और अनन्या लापता हो जाती है। तबाह होकर रुद्र यह जानने के लिए घर लौटता है कि उनके साथ क्या हुआ। रुद्र आगे क्या करता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 5 पर प्रोवाइड कर दी गई है, और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.2 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 88% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 4 पर आती है 2014 में रिलीज हुई मलयालम लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा रोमांस वाली फिल्म परन की माला, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में जगदीश, कलाभवना मणि और मेघना विंसेंट के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो जब मालिक को अपने बेटे और नौकरानी के बीच संबंध के बारे में पता चलता है तो वह उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। बाद में वह अपने प्रेमी के लिए अपनी जान दे देती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 4 पर प्रोवाइड कर दी गई है, और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 4.6 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 56% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 3 पर आती है 2018 में रिलीज हुई कन्नड़ लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन कॉमेडी ड्रामा वाली फिल्म किस्मत, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में विजय राघवेंद्र, संगीत भट्ट,
दिलीप राज और नवीन कृष्ण के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो एक बेरोजगार युवा तब मुसीबत में पड़ जाता है जब वह एक साहूकार से उधार ली गई रकम चुकाने में असफल हो जाता है। मामले को बदतर बनाने के लिए उसका रिश्ता खतरे में है क्योंकि उसकी प्रेमिका के पिता उसे स्वीकार नहीं करते हैं। क्या वह बहुत देर होने से पहले अपनी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गई है और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.4 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 83% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 2 पर आती है 2021 में रिलीज हुई बंगाली लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा वाली फिल्म मिशन एक्सट्रीम और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में अरिफिन शुभ, ओशी, तस्कीन रहमान सादिया, नबीला, सुमित सिंह गुप्ता और सुदीप बिस्वास दीप के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो नबीदर शहरयार ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम इकाई की एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जो आतंकवादियों के एक समूह का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो अशांति और आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्हें रोकने के लिए वह अपने सहयोगियों के साथ यह पता लगाने की कोशिश करता है कि वे क्या कर रहे हैं, आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 2 पर प्रोवाइड कर दी गई है और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.1 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 91% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 1 पर आती है 2024 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा इतिहास वाली फिल्म प्रजाकर और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राज अर्जुन, माकन देशपांडे, बॉबी सिम्हा, अनसुया, वेदिका, तेज सपराव, इंद्रजा और थलाईवासल विजय के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली लेकिन हैदराबाद जो सबसे बड़ी रियासत है, हैदराबाद के निज़ाम उर्फ मीर उस्मान अली खान के नियंत्रण में एक स्वतंत्र राज्य बना हुआ है। हैदराबाद के निज़ाम ने विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और भारत संघ के साथ एक साल के लिए समझौते का विकल्प चुना। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा गठित रज़ाकार नामक एक अर्धसैनिक सेना बल उस अवधि के दौरान कासिम रज़वी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कासिम रज़वी हैदराबाद के निज़ाम को अपना पूरा समर्थन देता है और वे अपने अत्याचारों से हिंदुओं में आतंक फैलाते हैं। बाद में जो होता है वही रज़ाकार के बारे में है, आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर 1 पर प्रोवाइड कर दी गई है और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 7.7 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 90% लाइक्स मिला है। दोस्तों ये थी साउथ की वे 7 बेहतरीन फिल्में। उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।